मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। एक तो फ्लड प्रोन एरिया है ये, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे नाला जो है। दूसरा जो यहाँ पर बिजली महकमा है उनका यहाँ पर ट्रांसफार्मर है, तो एक रिबन डेवलपमेंट एक्ट के तहत अगर देखा जाए, RDA एक्ट के तहत, तो 25 फीट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोड हमें कोई भी कंस्ट्रक्शन करनी होती है, लेकिन उस चीज़ को भी यहाँ पर मद्देनज़र नहीं रखा गया। म्यूनसिपलिटी को एक जगह को लोकेशन को देखना चाहिए था। उसके बाद इसका मैं अगर मेरे जहन में एक चीज़ आ रहा है कि 4,52,000 का ये इसमें एस्टिमेट बनाया गया था, लेकिन अगर लोकेशन इसकी सही होती वहाँ पर लोग जो है वो इंतज़ार करते, लोग इसका अच्छे से फ़ायदा उठाते इन फ्यूचर, चाहे बारिश होती चाहे धूप होती, तो उस केस में लोग जो है वहाँ पर इंतज़ार। मैंने पहले ही कहा कि ये एक फ्लड प्रोन एरिया है, यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा रहता है, ऊपर से बहुत बहुत सारा पानी जो है वो आप देख सकते हैं। पीछे भी बहुत सारी कंप्लेंट्स आई थी कि घरों में पानी जाता है, यहाँ पर इतना पानी बहता है, तो एक बहुत इस चीज़ को नहीं देखा गया लोगों, इंजीनियर जो भी इंजीनियर इन साइट था, तो इस चीज़ को देखना चाहिए था। मेरी आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम डोडा देसा रोड पे मौजूद है और मैं आपको बताता चलूँ कि ये लगभग डोडा से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। आप देख सकते हैं इस रास्ते पे अभी हम मौजूद है और मेरे पीछे आप देख सकते हो, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि पैसेंजर शेड एट देसा रोड डोडा कंस्ट्रक्टेड अंडर माई टोन माई प्राइड, यानी माई टोन माई प्राइड में जो है यहाँ पर पैसा लगाया गया है और इस पैसे से जो है ये एक शेड यहाँ पर बनाया गया। और शेड बनाने का ये मकसद यही था कि जो लोग गाड़ियों का इंतज़ार करेंगे जब तक गाड़ियाँ चले या गाड़ियाँ ना मिले, तो लोग इस शेड में बैठ के जो है इंतज़ार करेंगे गाड़ियों का। लेकिन ये शेड जिस जगह पे बनाया गया है, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जगह जो है बिल्कुल यहाँ पर स्लाइडिंग एरिया है। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि फ्लड, हर बार यहाँ पर फ्लड आया, कुछ दिन पहले यहाँ पर बारिश हुई और बारिशों में जिस तरह का फ्लड यहाँ पर आया, मैं आपको बताता चलूँ कि हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, जिस फ्लड की वजह से काफ़ी सारे घर भी यहाँ पर तबाह हो गए थे। और उसके अलावा ये शेड यहाँ पर बनाया गया और फ्लड, अभी सर्दियों का मौसम है, बारिश कभी भी आ सकती है और बारिश आने के बाद इस जगह की जो हालत होगी काफ़ी ज़्यादा खस्ता होगी। आप देख सकते हैं ये शेड बनाया गया है, लगभग 4 लाख रुपये जो है इस पे लगाया गया है। और किस तरह का पैसा यहाँ पर लगाया गया और किस जगह पे लगाया गया, उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि PDD डिपार्टमेंट के ट्रांसफार्म भी यहाँ पर लगे हुए हैं, जिससे खतरा लोगों को भी यहाँ पर है। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है कुछ टाइम पहले पंप हुआ करता था, जिस पंप से जो है पानी आता था और लोग इस पंप का फ़ायदा उठाते थे, लेकिन इस पंप को भी यहाँ पर बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से जो लोगों को फ़ायदा इस पंप का मिलता था वो भी ख़त्म हो गया। और इन ट्रांसफार्मर की वजह से काफ़ी नुकसान जो है यहाँ पर लोगों को भी होगा, जो लोग यहाँ पर रुकेंगे उसकी वजह से लोगों को भी नुकसान हो सकता है। उसके अलावा आप ये आसपास का एरिया देख सकते हैं जिस जगह पे बनाया जा रहा है, और रोड देखिए आप, ये रोड है, यहाँ पर सिंगल गाड़ी का रुकना मुश्किल है और यहाँ पर ये शेड बनाया गया है ताकि लोग यहाँ पर रुके, गाड़ी का इंतज़ार करें, लेकिन गाड़ियाँ यहाँ पर रुक नहीं सकती क्योंकि ना ही यहाँ पर बस स्टैंड है और बस स्टैंड जो है यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। उसके अलावा ये नाला है और नाले के पास टूटी फूटी गाड़ी भी यहाँ पर लगी हुई है और गाड़ी के साथ ही शेड बना हुआ, और नाले की हालत आप देख सकते हैं, बिल्कुल आप हालत देखिए यहाँ की। ये मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि नाले की हालत काफ़ी ज़्यादा खस्ता है, काफ़ी स्मेल यहाँ पर है, काफ़ी तबाही इस नाले की है, बिल्कुल पाइपें टूटी हुई है। और उसके अलावा बारिश थोड़ी ज़्यादा आ जाए तो फ्लड आने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता ही रहता है, थोड़ी बारिश में भी रहता है, और जब ज़्यादा आ जाए फिर तो हालत यहाँ पर ख़राब हो जाती है, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने अपनी वीडियोज़ में दिखाया था कि किस तरह की हालात इस एरिया की। और इसी के साथ में ये जो है यहाँ पर शेड बनाया गया, तो किस क्या सोच के क्या समझ के जो है म्यूनसिपल कमेटी डोडा की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है यहाँ पर शेड बनाने का। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो लोकल्स होंगे कुछ उनसे बातचीत करें, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर जो शेड बनाया गया है किस हद तक ये इनिशिएटिव सही है। तो हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर जुड़े हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे इस पैसेंजर शेड को लेकर, आखिर जो पैसेंजर शेड यहाँ पर बनाया गया है क्या सोच के यहाँ पर बनाया गया है। तो हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, सर आपसे जानना चाहूँगा कि पैसेंजर शेड देसा रोड पे बनाया गया है, क्या लगता है ये वो जगह थी जहाँ पर ये शेड बनाना मुनासिब था? मेरे ख्याल में यहाँ तो शेड की ज़रूरत ही नहीं थी, ये तो रोड है, यहाँ कोई बस स्टैंड नहीं कुछ नहीं, तो किस लिए बनाया है, कौन सवारी यहाँ रुकेगी, जो क्या कहते हैं यहाँ बस में चढ़ेगी या किसी गाड़ी में चढ़ेगी, ये तो रोड है, यहाँ तो कोई बस स्टैंड है ही नहीं, मुझे समझ नहीं आती। तो उसके अलावा आपसे जानना चाहूँगा कि एक तरफ ये नाला था, हाल ही में यहाँ पर फ्लड भी आया जिसको लेके काफ़ी सारी दिक्कतें यहाँ पर आई,
पानी जो था सारा घरों के अंदर चला गया। क्या ये वो जगह, इस जगह ये शेड बनाना पॉसिबल था, क्योंकि फ्लड वाला एरिया है, फ्लड कभी भी आ सकता है, बारिश तेज़ हुई तो, अब तो सर्दी का भी मौसम है, तो क्या लगता है ये जगह उस लायक थी? मेरे ख्याल में यहाँ तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। नहीं थी। ऐसे पैसा ज़ाया किया गवर्नमेंट का, ज़ाया किया। तो आप देख सकते हैं क्या कहना है लोगों का, और भी लोग हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर आपका नाम? जी मेरा नाम ताहिर जमील है। ताहिर जी आपसे जानना चाहूँगा इसी शेड को लेके, कि ये शेड जो यहाँ पर बनाया गया है, क्या लगता है आपको कि ये शेड यहाँ पर जो बनाया गया है किस हद तक सही है? सबसे पहले मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, एक तो फ्लड प्रोन एरिया है ये, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे नाला जो है, दूसरा जो यहाँ पर बिजली महकमा है उनका यहाँ पर ट्रांसफार्मर है, तो एक रिबन डेवलपमेंट एक्ट के तहत अगर देखा जाए, RDA एक्ट के तहत, तो 25 फीट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोड हमें कोई भी कंस्ट्रक्शन करनी होती है, लेकिन उस चीज़ को भी यहाँ पर मद्देनज़र नहीं रखा गया है। तो ये तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी जो है बस स्टैंड नहीं है, बस स्टैंड कम से कम 500 मीटर दूरी पर है, तो इस चीज़ का बनाने का फ़ायदा यहाँ पर मेरे हिसाब से तो नहीं था। यहाँ पर MCD को देखना चाहिए था कि कहाँ पर लोगों के हित में ये फैसला करना चाहिए था, लोगों के लिए फैसला करना चाहिए था, PWDR और म्यूनसिपल्टी को मिलके एक लोकेशन सही सेट करनी चाहिए। आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि क्या लोग यहाँ पर आएंगे, जो पैसेंजर यहाँ पर होंगे, क्या वो यहाँ पर गाड़ी का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि ये लोकेशन ऐसी नहीं है जहाँ पर गाड़ियाँ पहले आ सके या रुक सके? देखिए ये मैंने पहले ही कहा कि म्यूनसिपल्टी को एक जगह को लोकेशन को देखना चाहिए था, उसके बाद इसका मैं अगर मेरे जहन में एक चीज़ आ रहा है कि 4,52,000 का ये इसमें एस्टिमेट बनाया गया था, लेकिन अगर लोकेशन इसकी सही होती वहाँ पर लोग जो हैं वो इंतज़ार करते, लोग इसका अच्छे से फ़ायदा उठाते इन फ्यूचर, चाहे बारिश होती चाहे धूप होती, तो उस केस में लोग जो है वहाँ पर इंतज़ार करते और बस स्टैंड का इस पैसेंजर शेड का अच्छा सा यूज़ होता। ये भी जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा बारिश होती, पर मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि फ्लड वाला एरिया है, अगर बारिश हो लोग यहाँ पर रुके भी, तो क्या लोगों को खतरा नहीं है, फ्लड कभी भी आ सकता है और उसी के साथ साथ ये शेड भी यहाँ पर बह सकता है? बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा कि ये एक फ्लड प्रोन एरिया है, यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा रहता है, ऊपर से बहुत सारा पानी जो है वो आप देख सकते हैं, पीछे भी बहुत सारी कंप्लेंट्स आई थी कि घरों में पानी जाता है, यहाँ पर इतना पानी बहता है, तो ये एक बहुत इस चीज़ को नहीं देखा गया लोगों, इंजीनियर जो भी इंजीनियर इन साइट था, तो इस चीज़ को देखना चाहिए था मेरे हिसाब से। हमारा टैक्स पेयर का मनी है तो वो यहाँ पर वेस्ट दिख रहा है यहाँ? बिल्कुल, टोटली मिसयूज़ किया जा रहा है, जितना भी हम टैक्स हम जो लोग हैं हमें ये मालूम ही नहीं है कि हम जो साबुन देते हैं साबुन के लिए भी हम टैक्स पे करते हैं, इनडायरेक्टली और डायरेक्ट टैक्स जो है हम पे करते हैं, लेकिन लोगों ने भी इसका इसमें कोई भी जो है प्रोटेस्ट नहीं किया, या लोग भी कंसर्न डिपार्टमेंट के पास भी नहीं गए, तो ये मैं आपका बहुत मशकूर और ममनून हूँ कि आपने यहाँ पर एक ये इशू राइज किया है। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं क्या कहना था लोगों का, और भी कुछ लोकल्स यहाँ पर, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम सजाद अहमद है। सजाद जी आपसे जानना चाहूँगा कि एक तो इस शेड को लेके, उसके अलावा यहाँ पर एक पंप भी हुआ करता था जिस पंप में पानी भी हुआ करता था और लोग यहाँ से पानी भी लेते थे, क्या इस पंप को फिर से डेवलप करने के लिए ये जगह बनाई जा सकती थी, लेकिन इस पंप को भी यहाँ पर वापस उजाड़ दिया गया और उसके अलावा यहाँ पर शेड बनाया गया जो एरिया सही नहीं था, क्या लगता है आपको किस हद तक यहाँ पर काम सही या गलत हुआ है? सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ पे पहले पानी हुआ करता था, काफ़ी सारे लोग आते थे, मतलब अच्छा पानी होता था, एडमिनिस्ट्रेशन से ये करना चाहिए था कि इस पानी को दोबारा रिपेरेशन करनी चाहिए थी, पंप की डेवलप होनी चाहिए थी। यहाँ जो पैसेंजर शेड बनाया है, सबसे बड़ी बात है यहाँ कोई फुट फ्लो नहीं है, कुछ नहीं है, सबसे बड़ी बात है नाले है, नाले में कोई बैठता है, बदबू में कौन बैठेगा, अगर कोई आएगा भी तो बदबू में तो बैठ नहीं सकता है, और ऊपर से शॉर्ट सर्किट हो सकता है, साथ में बिजली डिपार्टमेंट का भी है, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। ये तो जब हमने डिपार्टमेंट से बात करने की कोशिश की, डिपार्टमेंट ने कहा कि हम इस जगह को वेल मेंटेन करने वाले हैं, आगे आने वाले टाइम में इसको डेवलप करने वाले हैं, क्या लगता है आपको ये जगह जो है डेवलपमेंट के लायक है? डेवलपमेंट के लायक ही नहीं है सर, यहाँ पे आप एरिया ही देखिए, पहले एरिया ही कितना है, यहाँ पे तो एक वैन नहीं रुक सकती है, तो आप पैसेंजर शेड की बात करते हैं, बस स्टैंड की बात करते हैं, बस स्टैंड तो यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे है, या
यहाँ पे तो क्या उम्मीद क्या करते हैं आप? इनरिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन है ये, तो इसका इसका तो कोई बेनिफिट ही नहीं है। उम्मीद क्या करते हैं आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से, म्यूनसिपल कमेटी डोडा से? यही उम्मीद करते हैं कि अगर ये किया है तो ये तो वेस्टेज ऑफ मनी है। सर आप क्या उम्मीद करते हैं? देखिए ये टोटली वेस्टेज ऑफ मनी है, हमारा जो टैक्स जो गया है वो एक बिल्कुल ही मिसयूज़ किया गया है। तो आप देख सकते हैं क्या कहना है लोगों का। फिर से मैं आपको बताता चलूं कि ये जगह जो है बिल्कुल फ्लड वाला एरिया, और इसके आसपास की हालत मैं आपको दिखाता चलूं कि हालत किस तरह की यहां पर है। बिल्कुल टूटा फूटा आप देख सकते हैं, गाड़ियां जो थी वो भी टूटी हुई है, और इसके बीचों बीच ये बनाया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर नाला भी है, बहुत बड़ा नाला यहाँ पर है, जिसको लेके हाल ही में एक फ्लड भी आया था, और फ्लड आने के बाद ये सारा एरिया जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। लोगों के घरों के अंदर पानी चला गया था, लोगों के घरों के अंदर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन इसी नाले के ऊपर जो है ये शेड बनाया गया, और शेड बनाने के बाद अगर कल बारिश भी होती है और बारिश में कोई पैसेंजर यहाँ वेट भी करता है तो फ्लड आने से नुकसान यहाँ पर हो सकता है, जान भी यहाँ पर जा सकती है। बहुत बड़ा सवाल म्यूनसिपल कमेटी डोडा के लिए, जो शेड जो पैसेंजर शेड यहाँ पर बनाया गया आखिर क्या सोच के बनाया गया। तो उम्मीद और तवक्का म्यूनसिपल कमेटी डोडा से, एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से, कि इस पर तवज्जो दी जाए, और जो टैक्स पेयर का मनी इस तरह से ज़ाया किया जा रहा है उस पर प्रॉपर एक कार्रवाई हो, और आने वाले टाइम में शेड को यहाँ से हटा के किसी और ऐसी जगह पर जाए जहां पर लोग गाड़ी का इंतजार करें और लोगों को सुविधा जो है अच्छी मिले इस शर्ट की वजह से।